ये यहाँ पे पेमेंट डालना पड़ेगा मैम। उसका जो प्राइस है वो उसमें डाल के वहाँ पे जो आपका कार्ड नंबर या कुछ भी है, जैसे आप पेमेंट करते हैं रेगुलर जी यूपीआई आईडी से, आप वहाँ जी पे एंटर आप जो पेमेंट जी जो है वो कंप्लीट करके, जैसे ही आपके पास वो ट्रांजेक्शन आएगी उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर, ओके, ठीक है। एज अ प्रूफ आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे फॉरवर्ड करेंगे। पहले आप कर लीजिए सर कंप्लीट, देखिए ओके ओके, ये मैंने कंटिन्यू कर दिया। 5,000 कितना करना है मैम? 5,000 5,784 रुपीज आपका फाइव टोटल अमाउंट थाउजेंड है। 784 हाँ 84 हाँ हो गया मैम। ये मैंने किया क्लिक। सर, जैसे ही वो आपकी मैम कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? नो 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 सर, देखिए जैसे ही आपका पेमेंट होगा आपको वहां पे स्क्रीनशॉट आएगा, आप स्क्रीनशॉट जैसे ही सक्सेसफुल होता है आपका पेमेंट आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसके बाद मेरे मुझे, पास एक वो है, उसके बाद आपको ऑर्डर आईडी और ट्रैकिंग आईडी सब कुछ सेंड किया जाएगा, ओके ठीक है मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ओके, क्योंकि आप ट्रेस कर सकते हैं हमारा लोकेशन एरिया सब कुछ, जी ओके, ये जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रही है और आप चाहे तो आप अपनी साइड से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ओके, एज अ प्रूफ, ओके ओके ठीक है। ओके सर, तो इन केस कोई भी ठीक है प्रॉब्लम मैम, मुझे होती है विश्वास है, आपके पास। मैम मुझे विश्वास है, कोई बात नहीं, अमेजोन से ऐसी कोई फ्रॉड थोड़ी नहीं कर सकता है। ठीक है, मैंने ये 2,450 मैम, हो रहा है ट्रांजेक्शन। ओके सर, ट्रांजेक्शन जैसे ही कंप्लीट होती है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। मैम फेल हो गया ये। क्यों सर, क्या शो कर रहा है वहां पे? पेमेंट योर पेमेंट इज पेंडिंग पेंडिंग हो गया सर। जी ओके सर, जस्ट कोई प्रॉब्लम हुई होगी कुछ, अपने शायद नंबर में प्रॉब्लम हुई, जस्ट वेट सर, जी जस्ट वेट फ्यू मिनट्स सर। ठीक है मैम। अकाउंट तो ठीक डाला था, कभी कभार ऐसा हो जाता है मैम। हेलो, हेलो मैम। हाँ हाँ जी सर, राजा जी बात कर रहे हैं सर? मैम कर रहा हूँ। हाँ, तो सर आपने जो पेमेंट अभी किया था सर, आपका जो पेमेंट प्रोसेस कर रहा था, जी आप गूगल पे से कर रहे थे और वो पेंडिंग हो गया है, राइट? जी, देखिए सर, कभी कभी क्या होता है सर, गूगल पे में थोड़ा सर्वर इश्यू के कारण आपका अमाउंट पेंडिंग हो जाता है, बट अच्छा वो अच्छा सम टाइम के अंदर आपके खुद के अकाउंट में रिटर्न आ जाता है, ठीक है? ठीक है आपके मैम। पास क्या कोई डेबिटेड मैसेज आया है? हाँ, योर ये आया है, इसमें आया है योर, एक मिनट में पढ़ के बताता हूँ मैम आपको, बोलिए बोलिए। हाँ एक मिनट निकाल लूँ मैं, एक मिनट। ये मैम ये हेलो, बोलिए सर। ये मैम आया है मेरा, हेलो योर एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग AC इज डेबिट विद रुपए 5,784, टैक्स आई डी FT 20 32 9187912 30 3031, अवेलेबल ओके बैलेंस, अवेलेबल अवेलेबल बैलेंस बता दूं मैम। ओके, तो आप एक काम कीजिए सर, आप एक काम कीजिए, गूगल पे में ही जाइए, वहाँ पे देखिए आप अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, चेक बैंक बैंक बैलेंस ऑप्शन होता है, ठीक है? वहाँ पे जाके आप एक बार बैलेंस चेक कर लीजिए कि आपका अमाउंट फिर से आपके अकाउंट में क्रेडिटेड हुआ है कि नहीं हुआ है सर। एक मिनट मैम, मैं कर रहा हूँ चेक। चेक मैम, इसमें से तो कट गया, अभी नहीं आया। दिखा रहे हैं, ओके, तो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा सर, आपका अमाउंट पेंडिंग हो जाएगा, पेंडिंग है तो आपके पास ही क्रेडिट हो जाएगा सर, ठीक अच्छा, है?
तो सर आप एक काम कीजिए, आपके पास क्या फोन पे एप्लीकेशन है सर? हाँ है मैम, है। तो सर आप एक बार और ट्रांजेक्शन कर पाएंगे सर? अभी आपका अवेलेबल बैलेंस है अभी? हाँ मैम है, मेरा अभी अभी लगभग 32,000 रुपए है मेरे पास है तो आप एक काम कीजिए सर, देखिए ये अमाउंट पेंडिंग हो गया है वो आप खुद ही चेक कर पा रहे हैं, ये आप जी। ही के अकाउंट में 1 आवर के अंदर रिसीव हो जाएगा। तो अभी आप ये पेमेंट एक बार और प्रोसेस कीजिए, और गूगल पे से मत कीजिए सर, क्योंकि अच्छा गूगल पे अच्छा में ही प्रॉब्लम हो रहा है, सर्वर इशू हो रहा था, फोन पे से कीजिए। इससे हो जाएगा ना मैम? हाँ जी सर, ये अमाउंट आपके पास रिफंड चला जाएगा सर, आपने अभी तो पे किया है। मैम ये ना हो, मेरा वो भी चला जाए, ये भी चला जाए, नहीं नहीं दो इससे ऐसा पेमेंट नहीं हो होगा जाए। सर, पेंडिंग जब भी होता है सर वो कस्टमर के अकाउंट में ही रिसीव होता है सर। तो अच्छा ठीक है आप एक मैम, बार और प्रोसेस कीजिए सर, अपनी साइट से फोन पे के थ्रू कीजिए सर, ठीक है। एक मिनट मैम, फोन पे फोन पे एप्लीकेशन ओपन कीजिए पहले। खोल लिया मैम। अभी वहाँ पे देखिए टू अकाउंट ऑप्शन है, टू अकाउंट पे जाइए, टू 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 कॉन्टैक्ट, टू अकाउंट सर, टू कॉन्टेक्ट के बाद ही देखिए टू अकाउंट ऑप्शन है, अच्छा हाँ है, चला गया। टू अकाउंट क्लिक कीजिए। अभी नीचे देखिए ऐड न्यू अकाउंट ऑप्शन होगा, ऐड न्यू अकाउंट, इसमें नीचे दो अकाउंट हैं, उसमें चार। नहीं सर, जो अकाउंट है उसमें नहीं सर, न्यू अकाउंट ऐड कीजिए, ऐड न्यू बेनिफिशियरी अकाउंट न्यू 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 नहीं, ऐड रेसिपिएंट अकाउंट राइट। रेसी पेशेंट, हाँ सर उसमें क्लिक कीजिए सर, एक एक मिनट। हाँ आ गया, ये अभी अकाउंट वहां पे नंबर बैंक डालने नेम के। पहले आपको सिलेक्ट करना होगा ना, बैंक नेम सिलेक्ट करने के लिए दे रहा है वहां पे। जी अभी इस क्या आ रहा है आपको वहां पे, क्या दिखा रहा है सर? अकाउंट डिटेल्स एंटर हाँ करने के लिए हाँ दे रहा है सर, हाँ अकाउंट नंबर डालने को अकाउंट बोल रहा है। नंबर पहले एंटर कीजिए, मैं बताइए मैम। आपको बोल रही हूँ, वहां पे टाइप कीजिए, केयरफुली टाइप कीजिए, 964 9 6 4 894 8 9 4 9879 9 8 7 9, ठीक है। अब मैम रीएंटर अकाउंट नंबर है सर, रीएंटर कीजिए, हाँ री एंटर कितना है? 9648949879 9 6 4 8 9 9 जी 894 8 9 4। हो गया मैम, 9879 ठीक है, 7 9 सेम जी एंटर किया है ना सर दोनों जगह पे ही? जी 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 सेम सेम है, सेम है। हाँ अभी आईएफएससी में टाइप कीजिए AIRC, AI RC, R फॉर राजस्थान, P फॉर पंजाब, RC आर पी 000001। 6 0 1 हाँ ठीक है। तो 0 दीजिए फिर 1। इसमें नाम बता रहा, पूछ रहा है नाम, नाम पे वहां पे लिखिए अमेजॉन, एमा AMAZON। जाऊन। इसमें फोन नंबर फोन नंबर ऑप्शनल है सर, फोन नंबर डालना नहीं होगा, अपना बस ये डाल चीजें दूं? वहां पे आपको, नहीं अपना नहीं सर फोन नंबर डालना नहीं है सर, वो ऑप्शनल है। और एक चीज चेक कीजिए सर, आईएफएससी डालने के बाद वेरीफाई हुआ है, आपको बैंक नेम शो हुआ है ना? हाँ एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके ओके ठीक है सर, अभी नेक्स्ट पेज में जाइए सर, कंफर्म में क्लिक कीजिए। नहीं कंफर्म नहीं हो रहा है, इसमें मांग रहा है निकनेम और फोन नंबर। ओके तो निक नेम से अमेजोन ही डालिए, और एमेजॉन फोन एक काम नंबर, कीजिए फोन नंबर पे जिस नंबर से हमने आपको कॉल किया है यही नंबर देख के वहां पे टाइप कर दीजिए। मैम बता दो मुझे कित क्या नंबर है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। ओके फोन नंबर के साइड में देखिए ऑप्शनल शो नहीं हो रहा है सर, हाँ तो अभी आप कंफर्म में क्लिक करके देखिए कंफर्म हो रहा है नहीं अभी? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी नहीं है, इस पे हरा वाला वो नहीं आया है। सर आपने क्या क्या एंटर किया है सर, अकाउंट नंबर,
कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी एंड होल्डर्स नेम, क्या है निक नेम भी आपने एंटर किया है जी? ठीक है, मोबाइल नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, एक मिनट आप मुझे टाइम दीजिए, जी जी मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, वही वहाँ पे एंटर कीजिए। ओके ओके नाइन फाइव नाइन थ्री वन सिक्स। ठीक है, हो गया, अभी इसको कंफर्म कीजिए। कर दिया मैम। अभी देखिए एंटर अमाउंट एंड एड मैसेज ऑप्शन आ रहा है। हाँ, इसमें एंटर अमाउंट बता रहा है। एंटर अमाउंट लिखिए 5,784। 5,784 7,8,4। हाँ, ठीक है। एड मैसेज में लिखिए अमेज़न गिफ्ट फॉर फ्री। अच्छा, अमेज़न गिफ्ट जी। ओके, हाँ, अभी पेमेंट को कंप्लीट कीजिए अपने यूपीआई पिन एंटर करके। जी, एक मिनट। 2,5,4। ठीक है, देखिए पेमेंट आपको कंप्लीट हुआ है, अभी गोल गोल घूम रहा है। ओके, वेट कीजिए थोड़ा सा सर। ये मैम, ये भी पेंडिंग बताने लगा। ये भी पेंडिंग बताने लगा। पेंडिंग, हाँ, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पेंडिंग बता रहा है मैम। फिर से पेंडिंग बता रहा है सर। हाँ सर, आपके बैंक में क्या कोई इश्यू हो रहा है सर? बार बार आप जब भी पेमेंट कर रहे हैं पेंडिंग हो जा रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे फोन नंबर दो, गूगल पे नंबर दो, मैं अभी कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए सर, थोड़ा लाइन पे रहिए जी। तो जी, जैसा समझ रहे हैं कि हमें पागल बना रहे हैं। गूगल पे नंबर या खुद को ये दिए तो गूगल पे, जिनकी देखो कैसी बात लगाता हूँ। गूगल पे जैसे गूगल पे नंबर जो दिए, हाँ, गूगल पे जा खुद को है ना नंबर ये जैसा समझाते। हम तो सर पूरे दिन गूगल पे फोन पे ही चला रहा था, एयरटेल पेमेंट बैंक। क्या जगह ही तुम्हारे पास दो अक्षर है। हेलो सर। जी मैम जी। सर, हो सकता है कि हमारे साइड से भी बैंक का इशू हो सकता है सर, तो मैं एक काम करूँ सर, मैं आपको क्या दूसरा डिटेल्स प्रोवाइड करूँ सर, आप एक बार और ट्राई करके देखिए। मैम मेरा दो ये तो आ जाएगा, मुझे पता, कभी कभार अटक जाता तो आ जाता है, लेकिन गूगल पे नंबर हो या फोन पे नंबर हो तो आप मुझे दे दो, तो मैं कर दूंगा उस पे, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मैम, फिर चाहे मिले या ना मिले। मैं एक बार देखती हूँ सर, मैं एक बार सीनियर से बात कर लेती हूँ, अपलाइन पे बने रहिए जी। अगर नंबर अवेलेबल होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके मैम, ओके, जल्दी कर लो मैम। अरे भगवान, देख रहे हो दोस्तों, ये हमें ये समझ रही कि हम इसे पागल बना रहे हैं, लेकिन इसे हम खुद ही पागल बना रहे हैं। हालांकि इसे कुछ इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को चूतिया बना के इन पैसे ऐठे हैं। मैं 24 घंटे गूगल पे फ़ोन पे ही रहता हूं, अभी देखो कैसे चूतिया बनाता हूं इनको, कैसे इनका काटता हूं। इनको भेजूंगा पेमेंट रिक्वेस्ट, फिर बोलूंगा यही हो रहा है, अभी देखते जाओ आप, मजे कर दूंगा मैं आपके आज। सर एक काम कीजिए सर, आप एक बार दूसरे अकाउंट में ट्राई करके देखिए, अगर इस बार नहीं होगा तो फिर आपको पेमेंट करना नहीं होगा सर, ठीक है? मैम मैं दूसरा नहीं कर सकता, मैं गूगल पे नंबर दे दो आप, फोन पे नंबर दे दो कुछ। सर एक्चुअली कंपनी के पास तो गूगल पे या फोन पे का नंबर अवेलेबल नहीं है सर, ओनली अकाउंट ही अवेलेबल है। अच्छा मैम, मैम हेलो, बोलिए सर। हाँ मैम, ये पूछ रहा हूँ मैं एजे आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बोल रहा हूँ, और मैंने ये 100 नंबर पे कॉल लगाया हुआ है आपका। अच्छा? हाँ, इधर इधर आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके। तो
ऐसा है, आप कुछ गलत समझ रहे हो, गलत जगह फंस गए आप, कि आपने, अच्छा हाँ आपने किसी को चूतिया काट लिया किसी का, ऐसा कुछ नहीं है मैम। अच्छा हाँ हाँ ये ठीक है, तो इसका मतलब आपने कोई पेमेंट नहीं किया ना, अकाउंट पेंडिंग नहीं हुआ एक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप देखो, ऐसा है मैं पूरा दिन गूगल पे फोन पे ही रहता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। देखिए इतना जान के मेरा कोई काम नहीं है सर, उतना टाइम भी नहीं है एक सर, मैं अरे आपको ये पूछ रही टाइम थी। इसका टाइम मतलब आपने पे नहीं किया है, आपका अमाउंट भी पेंडिंग नहीं हुआ नहीं है ना। नहीं अमाउंट तो पेंडिंग में हुआ है, आपका जाएगा, वो आपको पहुंच जाएगा। मैं पागल बन नहीं गया, नहीं सर, मैंने ये अभी आपको आपके अभी खिलाफ ही चूतिया नहीं है सर, इतना अच्छा सही अच्छा आपको होगा कि अगर पेंडिंग होता है तो अमाउंट कभी भी दूसरा अच्छा पार्टी के पास नहीं जाता, अच्छा आपके पास ही आता अच्छा है। सुनो ना तो मेरी बात बेकार में सुनो, टाइम वेस्ट कीजिए, और इतना सुनने का टाइम नहीं है, आप कॉल डिस्कनेक्ट मेरी कीजिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सुनो